तो दोस्तों आज ये वीडियो के अंदर आपको सीआरटी टीवी का जो आउटपुट ट्रांजिस्टर ये शॉर्ट होने का मेन आठ रीजन आपको बताऊंगा, कौन कौन रीजन से आउटपुट ट्रांजिस्टर शॉर्ट हो सकता है। बट इसके ऊपर मैं ऑलरेडी तीन चार वीडियो में बना के रखा हूँ, बट आज का ये वीडियो पूरा अलग सा वीडियो होगा। मैं पॉइंट टू पॉइंट मेन आठ रीजन आपको वीडियो के अंदर बताऊँगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग ये वीडियो होगा, ठीक है। क्योंकि एक दोस्त ने कमेंट किया है कि आउटपुट ट्रांजिस्टर शॉर्ट होने का जो रीजन है कि योक कॉइल भी हो सकता है, तो चलिए मैं वो जो कमेंट किया है वो कमेंट को मैं विस्तार से बताऊंगा, डिटेल्स बताऊंगा। और ये वीडियो आप लास्ट तक वॉच कीजिए, तो मेनली न्यू टेक्नीशियन होगा तो ज़रूर अलग से नॉलेज मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। এখানে যে বন্ধু কমেন্ট করেছেন কমেন্টটি বাংলায়, তাই বাংলায় বলছি যে অনেক সময় ইয়োক কয়েল শর্ট থাকলে আউটপুট ট্রানজিস্টার কেটে যায়, সেক্ষেত্রে পুনর্বার বিউ লাগানোর পর সঙ্গে সঙ্গে শর্ট হলে আমরা ইয়োক কয়েল খুলে দেখি, কিন্তু ততক্ষণে আমার একটি বিউ লস হয়ে গেল। এই লস থেকে বাঁচার কোনো ট্রিক জানা থাকলে বলবেন। তো বন্ধু এখানে ইয়োক কয়েল যদি শর্ট হয়, যদি শুধু ইয়োক কয়েলের কথাই বলা হয়, তাহলে তো আপনি সাধারণভাবেই এটা আইডিয়া লাগাতে পারবেন। তো কিভাবে করবেন আমি ডিটেলসে বলছি। তার আগে এটা আমার যারা হিন্দি ভিউয়ার্স আছে, হিন্দি ভিউয়ার্সদের জন্য একবার হিন্দিতে কমেন্টটি বলে দিচ্ছি। অ্যাকচুয়ালি দোস্ত ইয়ে যে কমেন্ট হ্যাঁ ইয়ে মাই হিন্দি মে বাতানে কে লিয়ে কোশিশ কর রহা হুম কি কমেন্ট কে অন্দর যো লিখা কি বহুত টাইম ইয়োক কয়েল শর্ট হোনে কা রিজন সে আউটপুট ট্রানজিস্টর কাট জাতা হ্যাঁ। उसी कंडीशन पर आउटपुट ट्रांजिस्टर लगाने का साथ साथ ट्रांजिस्टर शॉर्ट हो जाएगा तो योक कॉइल ओपन करके देखना पड़ता है। बट उसका पहले ही तो एक ट्रांजिस्टर शॉर्ट हो गया, मतलब लॉस हो गया एक ट्रांजिस्टर। तो ये जो लॉस है, ये लॉस से बचने के लिए कोई ट्रिक आपका पास है तो आप बता सकते हैं। तो दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट ये बात है, तो ये नॉर्मल तरीका है। ओनली योक कॉइल का ऊपर आप बात करेगा तो योक कॉइल जो शॉर्ट होने का रीजन आउटपुट ट्रांजिस्टर काट जाता है, ये आसानी से ये वीडियो के अंदर मैं जो बताऊंगा आप देखने के बाद ही आप खुद ही आइडिया लगा सकते हो और आपका ट्रांजिस्टर लॉस नहीं होगा। बट दोस्तों आपको बताता हूँ कि ESD शॉर्ट हो जाने का साथ साथ ESD शॉर्ट हो जाने का रीजन से आउटपुट ट्रांजिस्टर लगाएगा तो वो साथ साथ एक ट्रांजिस्टर जरूर शॉर्ट होगा, तो इसका ये रीजन है। और चलिए मैं ये वीडियो के अंदर मेन आठ रीजन बताऊंगा पूरा विस्तार से। ये वीडियो शुरू से लास्ट तक वॉच कीजिए, ठीक है, वॉच करने के बाद पता चल। तो दोस्तों ये जो आउटपुट ट्रांजिस्टर आप देख रहे हो कि ये जो आउटपुट ट्रांजिस्टर ओनली आउटपुट सेक्शन पर यूज नहीं होता है, ठीक है। तो ये जो ट्रांजिस्टर, ये दोनों टाइप ट्रांजिस्टर देखा जाता है, पर दोस्तों ये NPN ट्रांजिस्टर ही है। एक ट्रांजिस्टर जो होता है जिसका अंदर डायोड देखा जाता है, और एक टाइप जो ट्रांजिस्टर जिसका अंदर डायोड नहीं देखा जाता है। ये दोनों ट्रांजिस्टर को आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। तो हर ट्रांजिस्टर आउटपुट सेक्शन पर आउटपुट ट्रांजिस्टर ये जो यूज़ होता है तो यहाँ पर यूज़ नहीं होता है। तो इसके ऊपर मैं डिटेल्स पूरा विस्तार से आपको बताऊँगा। तो मेरा पास ये चाइना PCB है, बट कुछ भी CRT PCB हो सकता है, ठीक है। सबका ऊपर मैं डिटेल्स बताऊँगा। मेनली ये वीडियो के अंदर मैं आठ रीजन बताऊंगा आउटपुट ट्रांजिस्टर शॉर्ट होने का, आठ रीजन बताऊंगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड नॉलेजेबल वीडियो होगा, आप ये वीडियो शुरू से लास्ट तक वॉच कीजिए। कि ESD जो होता है, ESD को ऑन करने के लिए ये ट्रांजिस्टर आउटपुट ट्रांजिस्टर को स्विचिंग होना चाहिए, ठीक है। ये आउटपुट ट्रांजिस्टर स्विचिंग होने के बाद ही ESD ऑन होता है। तो ये आउटपुट ट्रांजिस्टर क्यों काट जाता है, तो ये आपको वीडियो के अंदर मैं जो आठ रीजन बताऊंगा कि आप कुछ भी PCB हो सकता है। मेरा पास ये चाइना PCB है, आपको ओनली दिखाने के लिए, ये आउटपुट ट्रांजिस्टर दिखाने के लिए ये PCB आपको दिखाता हूँ कि एक बड़ा वाला हीट सिंक के ऊपर ये आउटपुट ट्रांजिस्टर देखा जाता है। तो ये बड़ा वाला हीट सिंक का अंदर आउटपुट ट्रांजिस्टर वर्टिकलाइज से ये चाइना PCB है, बट बहुत ब्रांडेड PCB का अंदर आउटपुट ट्रांजिस्टर अलग सा हीट सिंक का अंदर देखा जाता है। और कुछ सैमसंग PCB का अंदर आउटपुट ट्रांजिस्टर का हीट सिंक भी नहीं देखा जाता है, ओनली एक ट्रांजिस्टर है, ट्रांजिस्टर का हीट सिंक भी नहीं है, ठीक है। तो आपको पूरा डिटेल्स बताऊँगा कि ये ट्रांजिस्टर शॉर्ट होने का मेन आठ रीजन। मान लो ट्रांजिस्टर शॉर्ट हो गया, आप देखा है, और नेक्स्ट टाइम आप ट्रांजिस्टर न्यू लगाया, ट्रांजिस्टर न्यू लगाने के बाद साथ साथ ट्रांजिस्टर शॉर्ट हो गया, मतलब सप्लाई देने का साथ साथ ट्रांजिस्टर शॉर्ट हो गया, तो उसका रीजन क्या है। तो दोस्तों
ट्रांजिस्टर लगाने का साथ साथ ट्रांजिस्टर फिर भी शॉर्ट हो जाएगा, तो उसका मेन रीजन है ESD। ESD शॉर्ट हो जाएगा तो उसी का रीजन से आउटपुट ट्रांजिस्टर लगाने का बाद साथ साथ शॉर्ट हो जाता है। अब नोट कीजिए, मैं एक नंबर पॉइंट बताया। और दूसरा रीजन जो आपको बताऊंगा कि आउटपुट ट्रांजिस्टर लगाने का बाद, ठीक है, 2 से 3 मिनट का अंदर, ठीक है, हो सकता है 2 से 5 मिनट का अंदर, ठीक है, आउटपुट ट्रांजिस्टर लगाने का 2 से 5 मिनट का अंदर आउटपुट ट्रांजिस्टर शॉर्ट हो जाता है। दोस्तों इसका रीजन क्या है? दोस्तों इसका रीजन जो है 2 से 5 मिनट का अंदर शॉर्ट हो जाएगा तो बूस्ट पीएफ प्रॉब्लम हो सकता है। तो दोस्तों बूस्ट पीएफ क्या है कि ये जो ESD जो लाइन है, सप्लाई लाइन, ये लाइन से जो सप्लाई, ये आउटपुट ट्रांजिस्टर का मिडिल पिन जो कलेक्टर पिन पर आता है, ठीक है, ये सप्लाई लाइन के अंदर एक कैपेसिटर देखा जाता है, ठीक है, 1600 वोल्ट का। दोस्तों ये 1600 वोल्ट कैपेसिटर को बूस्ट पीएफ कहा जाता है। तो ये पीएफ फॉल्ट होने का रीजन से आउटपुट ट्रांजिस्टर 2 से 5 मिनट का अंदर शॉर्ट हो सकता है। तो ये जो लाल वाला पीएफ आप देख रहे हो, इसका वैल्यू 1600 वोल्ट हो सकता है, 1800 वोल्ट हो सकता है, ठीक है, 2 kV वोल्ट हो सकता है, मतलब 2000 वोल्ट हो सकता है, ठीक है, 1600 वोल्ट मतलब 1.6 kV हो सकता है, 1800 मतलब 1.8 kV हो सकता है, ठीक है। ये पीएफ फॉल्ट का रीजन से आउटपुट ट्रांजिस्टर 2 से 5 मिनट का अंदर शॉर्ट हो सकता है। और दोस्तों आर एक रीजन जो है, ईओ कॉयल शॉर्ट होने का रीजन से तब भी 2 से 5 मिनट का अंदर आउटपुट ट्रांजिस्टर शॉर्ट हो सकता है, ठीक है। तो इसको कैसे आइडेंटिफाई करें कि ईओ खराब शॉर्ट है कि पीएफ शॉर्ट है, ठीक है, ईओ खराब शॉर्ट है कि पीएफ शॉर्ट है, कैसे आइडेंटिफाई करें? तो दोस्तों नॉर्मल तरीका, आप आउटपुट ट्रांजिस्टर लगाए पीसीबी को, मतलब ईओ कॉयल का, मान लो ये ईओ कॉयल का पॉइंट है, तो ये जो ईओ कॉयल का कनेक्शन है वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल का, ये कॉयल को आपको फर्स्ट ओपन करना पड़ेगा आउटपुट ट्रांजिस्टर लगाने के बाद। ईओ कॉयल का वायर ओपन करने के बाद आप सप्लाई देके देखिए, सप्लाई देने के बाद आप ऑन कीजिए, 30 सेकंड के बाद आप ये ट्रांजिस्टर पर टच करके देखिए कि ट्रांजिस्टर हीट हो रहा है कि नहीं, ठीक है। ट्रांजिस्टर हीट होगा तो, ठीक है, मतलब ये बूस्ट पीएफ खराब है, ठीक है, आपको ये बूस्ट पीएफ चेंज करना पड़ेगा। मान लो ये बूस्ट पीएफ लगाया, आउटपुट ट्रांजिस्टर लगाया, हो सकता है आउटपुट ट्रांजिस्टर लगाने के बाद ये कॉयल ओपन करके आप सप्लाई देके टेस्ट किया कि ये ट्रांजिस्टर नॉर्मल हीट है, कुछ भी हीट नहीं हो रहा है, ठीक है, तो मतलब ये सेक्शन ओके है, ठीक है। तो उसका बाद ये कॉयल का वायर आपको कनेक्शन करना पड़ेगा, जो ये कॉयल का वायर है, ये कॉयल कनेक्शन करने के बाद सप्लाई देके देखिए कि 30 सेकंड से 1 मिनट आप सप्लाई देके देखिए कि ये ट्रांजिस्टर ओवरहीट हो रहा है कि नहीं, ठीक है। ये ट्रांजिस्टर तुरंत ओवरहीट हो जाएगा तो उसका मतलब ये कॉयल फॉल्ट है। बट दोस्तों आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये कॉयल शॉर्ट होगा तो ये आउटपुट ट्रांजिस्टर लगाने के बाद, सप्लाई देने के बाद साथ साथ कभी शॉर्ट नहीं होता है, 2 से 5 मिनट का अंदर शॉर्ट हो सकता है, ठीक है। दो रीजन आपको बताया, बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन बताया। और दोस्तों और एक रीजन मैं आपको बताऊंगा कि आउटपुट ट्रांजिस्टर 10 मिनट से 30 मिनट, मतलब 10 मिनट से 30 मिनट का अंदर फॉल्ट हो जाएगा तो क्या फॉल्ट हो सकता है, ठीक है। मान लो आउटपुट ट्रांजिस्टर लगाया, ठीक है, हो सकता है टीवी ओके चल रहा है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, 10 मिनट से 30 मिनट का अंदर ये ट्रांजिस्टर ओवरहीट होने लगता है और उसका बाद शॉर्ट हो जाता है, तो उसका रीजन क्या है? तो उसका रीजन जो है कि आउटपुट सेक्शन के अंदर ये जो बूस्ट पीएफ है, ये बूस्ट पीएफ का बाद ये जो अलग अलग पीएफ देखा जाता है, हो सकता है 400 वोल्ट पीएफ, हो सकता है 250 वोल्ट का पीएफ, तो ये पीएफ फॉल्ट हो सकता है। और इसका साथ ये जो कैपेसिटर आप देख रहे हो, इसी तरह कैपेसिटर भी हो सकता है, और अलग अलग पीसीबी के अंदर अलग अलग पीएफ भी देखा जाता है, ये डायोड देखा जाता है, इसी तरह डायोड पीएफ भी फॉल्ट हो सकता है, ठीक है। आपको 3 इंपॉर्टेंट रीजन बताया। और दोस्तों 4 नंबर जो रीजन आपको बताना चाहता हूँ कि हो सकता है एक दिन का अंदर ही, मान लो मॉर्निंग में आप टीवी को रेडी किया, ओके चल रहा है, पूरा सारा दिन ओके चल रहा है, रात में फॉल्ट हो गया, हो सकता है 2 दिन चलने का बाद आउटपुट ट्रांजिस्टर शॉर्ट हो गया, 1 दिन से 2 दिन का अंदर ही ट्रांजिस्टर शॉर्ट हो जाएगा तो इसका रीजन हो सकता है कि ESD सप्लाई हाई, ठीक है,
कि एक एक पीसीबी का ईएसटी सप्लाई अलग होता है। नॉर्मल जो ईएसटी सप्लाई होता है अधिकतर पीसीबी के अंदर 110 वोल्ट, तो 110 वोल्ट का ऊपर ज़्यादा वोल्ट आ जाएगा, हो सकता है 117, 118, 120 वोल्ट इस तरह वोल्टेज आ जाएगा, तो उसी का रीजन से आउटपुट ट्रांजिस्टर ठीक है एक दिन और दो दिन का अंदर ही शॉर्ट हो जाता है। हो सकता है 110 वोल्ट का जगह 117, 118 और 120 वोल्ट के आसपास हो गया, हो सकता है वो एक दिन का अंदर ही फॉल्ट हो जाता है। हो सकता है 110 का जगह 125, 130 वोल्ट इस तरह आ गया दोस्तों उसी का रीजन से, तो दोस्तों वो 7-8 घंटा चलने के बाद भी फॉल्ट हो सकता है। ठीक है, तो ये आपको एक बार ध्यान रखना पड़ेगा। तो दोस्तों आपको क्या बताया, चार रीजन आपको बताया, और उसके बाद चलिए मैं पाँच नंबर रीजन आपको बताता हूँ कि मान लो दो दिन और तीन दिन का अंदर ही आउटपुट ट्रांजिस्टर शॉर्ट हो जाता है। तो दोस्तों उसका दो और तीन दिन का अंदर आउटपुट ट्रांजिस्टर शॉर्ट हो जाता है, तो इसका मतलब कि दोस्तों आपको बताया कि ईएसटी सप्लाई को आपको जरूर देखना पड़ेगा। मान लो ईएसटी सप्लाई ओके है, ईएसटी सप्लाई को आप एडजस्ट कर दिया, उसके बाद जो रीजन है कि डाइवर्ट ट्रांजिस्टर। तो दोस्तों डाइवर्ट ट्रांजिस्टर क्या है, आप ऊपर से देखेगा तो ये डाइवर्ट ट्रांजिस्टर है, ठीक है, ये डाइवर्ट ट्रांजिस्टर। आप नीचे से देखेगा तो ये जो आउटपुट ट्रांजिस्टर है, ये ट्रांजिस्टर का एक पिन एक डाइवर कॉयल का साथ कनेक्शन है। ये जो डाइवर कॉयल है, ये ट्रांजिस्टर का साथ नेगेटिव एक कंटिन्यूटी है, मतलब कनेक्शन है कॉयल का सेकेंडरी साइड और प्राइमरी साइड, ये एक पिन पर सप्लाई आता है और एक पिन एक ट्रांजिस्टर का साथ कनेक्शन देखा जाता है। तो दोस्तों ये डाइवर ट्रांजिस्टर है, ठीक है। तो दो दिन और तीन दिन का अंदर आउटपुट ट्रांजिस्टर शॉर्ट हो जाएगा तो आपको डाइवर ट्रांजिस्टर चेंज करना पड़ेगा, चेंज करके देखना पड़ेगा, ठीक है। तो दोस्तों इम्पोर्टेंट पांच रीजन आपको बताया, उसके बाद चलिए इम्पोर्टेंट आर एक रीजन, मतलब सिक्स नंबर रीजन आपको बताता हूँ कि दोस्तों ये दो दिन से तीन दिन आपको बताया, बट दो दिन से दस दिन का अंदर आउटपुट ट्रांजिस्टर शॉर्ट हो जाएगा, तो इसका आर एक जो रीजन है कि मान लो दो दिन का बाद तीन दिन चार दिन पाँच दिन का बाद शॉर्ट हो जाता है। दोस्तों ईएसटी सप्लाई को फर्स्ट आप एक बार चेक कीजिए, और उसका बाद एट ए टाइम ये डाइवर ट्रांजिस्टर और ये जो डाइवर कॉयल है, ये डाइवर कॉयल का आपको चेंज करना पड़ेगा। तो मेनली डाइवर ट्रांजिस्टर और डाइवर कॉयल खराब होने का बाद 8-10 दिन का अंदर ही टीवी आउटपुट ट्रांजिस्टर शॉर्ट हो सकता है, ठीक है। तो आपको ये सिक्स इंपॉर्टेंट रीजन बात है, और जो सात नंबर रीजन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि न्यू ट्रांजिस्टर लगाने का बाद साथ साथ शॉर्ट हो गया, तो उसका आर एक जो रीजन है। तो दोस्तों मान लो टीवी डेट ये शॉर्ट ट्रांजिस्टर पीसीबी आपके पास आया, आप न्यू लगाया, अब जिस टाइम लगाया मान लो सब कुछ ओके है, तो ट्रांजिस्टर लगाने के बाद ट्रांजिस्टर शॉर्ट हो गया, तो उसका क्या रीजन है। हो सकता है ट्रांजिस्टर का ये जो मिडिल पिन कलेक्टर है और ये बेस पिन पर सिग्नल आता है और एमीटर पिन ये नेगेटिव है, तो ये एमीटर और बेस पिन उल्टा हो जाएगा, तो ये उल्टा हो जाएगा तो साथ साथ ये ट्रांजिस्टर शॉर्ट हो जाएगा। क्योंकि क्यों उल्टा हो जाएगा, आपको मैं बता सकता हूँ कि हीट सिंक का पास ये ट्रांजिस्टर देखेगा तो ये उल्टा आप लगाने का चांस ही नहीं है, बट सैमसंग पीसीबी के अंदर ये हीट सिंक नहीं है। हो सकता है ट्रांजिस्टर को ओपन किया और दूसरा बार लगाने का समय कि वो ट्रांजिस्टर उल्टा हो गया, तो इसी का रीजन से आउटपुट ट्रांजिस्टर लगाने के बाद साथ साथ शॉर्ट हो सकता है, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। हो सकता है कि बहुत पीसीबी के अंदर ये पोजीशन में एक छोटा सा ट्रांजिस्टर है और आपका पास छोटा सा ट्रांजिस्टर नहीं है, आपको बड़ा सा ट्रांजिस्टर लगाना पड़ेगा। हो सकता है वो ट्रांजिस्टर लगाने का पोजीशन इतना छोटा है तो आपको ये ट्रांजिस्टर का पिन को ऊपर करके लगाना पड़ेगा। ऊपर करके लगाने का जो रीजन है, लगाने का बाद आपको वायर लेके वो ट्रांजिस्टर पिन का पीसीबी के साथ कनेक्शन करना पड़ता है, उसी का रीजन से दोस्तों इसका जो बेस और एमिटर पिन ठीक है वो भी उल्टा हो सकता है, इसी का रीजन से ट्रांजिस्टर लगाने का साथ साथ शॉर्ट हो सकता है, ठीक है। आपको इम्पोर्टेंट सात रीजन बताया, तो दोस्तों ये प्रैक्टिकल नॉलेज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। और दोस्तों आठ नंबर जो रीजन है कि दोस्तों नॉर्मल पीसीबी का अंदर और अल्ट्रा स्लिम पीसीबी का अंदर आउटपुट ट्रांजिस्टर बहुत पीसीबी के अंदर अलग अलग यूज़ होता है, ठीक है। दो टाइप ट्रांजिस्टर देखा जाता है, ठीक है। आप स्क्रीन के अंदर देख सकते हो कि 1803 वाला ट्रांजिस्टर जो है कि ये ट्रांजिस्टर का अंदर इंटरनल एक डायोड देखा जाता है, ठीक है। और 1802 वाला जो ट्रांजिस्टर है इसका दोस्तों इंटरनल एक डायोड नहीं है, ठीक है। ये दोनों टाइप ट्रांजिस्टर देखा जाता है, बट दोनों टाइप ट्रांजिस्टर ही आउटपुट सेक्शन के अंदर यूज़ होता है। तो अल्ट्रा स्लिम होगा तो अल्ट्रा स्लिम के अंदर कुछ अलग से स्पेशल ट्रांजिस्टर यूज़ होता है,
ठीक है, उसका वाटेज भी हाई होता है, ठीक है, तो आपको वो भी देख के लगाना पड़ेगा। तब गलती से आप इधर उधर करके लगाएगा तो तब भी टीवी ऑन हो जाएगा, बट उसका जो रीजन है, हो सकता है एक दिन चलेगा, दो दिन चलेगा, हो सकता है 8-10 दिन के बाद भी फॉल्ट हो सकता है।